जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शास्त्री चौक पर नवनियुक्त कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राकेश चंद्र यादव का ढोल नगाड़ों के साथ माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त कार्यवाहक जिला अध्यक्ष का शास्त्री चौक पर भारी संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कार्यवाहक जिला अध्यक्ष शास्त्री चौक पर पहुंचे, वरिष्ठ कांग्रेसी डॉक्टर तलत अजीज ने पुष्प गुच्छ देकर और अन्य कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सशक्त और मजबूत संगठन खड़ा करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सभी के साथ आपसी सौहार्द बनाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करूंगा। इस अवसर पर भारी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राकेश चंद्र यादव और तलत अजीज ने कहा, सर्वप्रथम हम यहाँ के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी जन और जो भी कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास रखता है, उन लोगों को मिलाकर एक ऐसा मजबूत संगठन बनाएंगे कि जो 19 में आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त कर सके और सभी लोगों का, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं के सम्मान में हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रदेश प्रभारी हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, माननीय राज बब्बर जी ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, मैं उस पर सदैव खरा उतरने की कोशिश करता रहूँगा। सबसे पहले हमें अपनी पार्टी को बहुत मजबूत करना है और राकेश यादव जैसे नौजवान अध्यक्ष को पाके हम लोग सब खुश हैं, संघर्षशील हैं, मेहनती हैं और सही तरह से कांग्रेस की नीतियों को फैलाने का हमारा प्रथम लक्ष्य जो है वो हमें उम्मीद है कि जिला अध्यक्ष राकेश यादव जी पूरा करेंगे। धन्यवाद।